मध्य प्रदेश में मंगलवार का दिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मिले एक आदेश के बाद सरपंचों और जिला पंचायत सदस्यों सहित जनपद पंचायत सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा समस्त कलेक्टर एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जारी किए गए एक पत्र में त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन की व्यवस्था के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 954 दिनांक 28/12/2021 से त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त किए जाने एवं आदर्श आचार संहिता समाप्त होने से ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पूर्ववत ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान प्रशासकीय समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की भांति ही कार्य करते रहेंगे। आगामी आदेश तक यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतलब साफ हो गया है कि अब सरपंचों, जनपद पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को पूर्व की भांति अधिकार सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमेश गुप्ता द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था कि सरपंचों को फिर से अधिकार मिले। ऐसे में एक बार फिर शासन के आदेश के बाद फिर से यह अधिकार इनको मिल जाने से सरपंचों, जिला पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत जनपद पंचायत सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़, दमोह।